यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और एग्जाम का रूटीन हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी। कौन सा एग्जाम है, कब सब है, कब से है और कितने पेपर है और कब कब है, कहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है, सभी जानकारी आपको यही एक वीडियो में देंगे। आपका सब्जेक्ट के अनुसार भी हम बता देंगे, अगर आपका कौन सा सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, सभी जानकारी आपको यही एक वीडियो में दे देंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को आप सब दोस्त लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह नोटिस निकल कर आ गया है, सेशन 20 से 22 वालों का पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का यह न्यूज है, सेशन हो गया आपका 20 से 22 वालों का। अब बता देते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो सभी दोस्तों का सेंटर एग्जामिनेशन हॉल ओल्ड एवन्यू में। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सभी छात्र छात्राओं का सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, समझ लेते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है तो आपका कब एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर सब्जेक्ट ACE, जी हाँ दोस्तों, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ACE है, ACE ऊपर आपको दिखाई दे, ए में हिस्ट्री, बंगाली, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और सी में हिंदी, उर्दू, AIH एंड सी है संस्कृत, मैथमेटिक्स है, और ई में जूलॉजी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी है, और ये सब सारा सब्जेक्ट है, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं, फर्स्ट सिटिंग हो गया और सेकंड सिटिंग का क्या हुआ है, BD, यहाँ पे देख ले BDF, और आपका इसमें का सब्जेक्ट है BDF में आपका हो गया पोलिटिकल साइंस, फिलोसफी, मैथिली, पार्सियन, केमिस्ट्री, ये सब वगैरह है, तो आपका एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में। आप बात समझ गए, तो अपना सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देख लिया जो अनाज पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कब से कब तक है, तो आपका एग्जाम 15 तारीख से शुरू होगा और 28 तारीख तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 4 पेपर है, C1, C2, C3, C4। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर ए एंड बी है तो 15/6/2022 को, 18/6 सेकेंड पेपर, C3 है 22/6 को, और C4 है 25 तारीख को दोस्तों, ठीक है। और एक और बार यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है, नो एग्जामिनेशन विल बी अरेंज इन केस ऑफ वॉलकट स्टे आउट यूज ऑफ यूनिफेयरनेस ऑन मास स्केल। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप इस बार एग्जाम छोड़ते हैं तो आपके लिए यूनिवर्सिटी अलग से कंडक्ट नहीं कराएगी एग्जाम, अगर आप टाइम पर भी नहीं पहुंचते हैं तो आपका एग्जाम दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए टाइम से आप एग्जाम देने पहुंचे। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएगा। मिलते हैं नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।